हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाल किला से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, देश की आजादी के पश्चात लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। नंबर 9, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह पर जब इस किले में केस चलाया गया, उसके 2 बेटों को गोली मार दी गई और बादशाह को रंगून जेल में भेज दिया गया। इस तरह 3 सदियों से चले आ रहे मुगल राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। नंबर 8, अंग्रेजों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचों को नष्ट करने के बाद वहां पर सेना के लिए परेड ग्राउंड बना दिया। नंबर 7, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने इन सभी को हरा कर लाल किला अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बनाया गया। नंबर 6, 1739 में नागर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले के बगीचे और दीवारों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इसके सिवाय उसने 3 दिन तक दिल्ली में हिंदुओं का कत्लेआम भी किया। नंबर 5, लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 - 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। नंबर 4, लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। नंबर 3, 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया और इसे मुगलों से आजाद करवा दिया गया। इस कारनामे का सेहरा सरदार भगेल सिंह धालीवाल को जाता है। नंबर 2, लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ था। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता था। नंबर 1, लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट VIPs के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।